जिला दंडाधिकारी सारण एवं पुलिस अधीक्षक सारण द्वारा आज रावण दहन को लेकर फ्लैग मार्च के जरिए सुरक्षा व्यवस्था का लगातार जायजा लिया गया और ड्रोन से भीड़ पर नजर रखी गई। सारण जिले में दुर्गा पूजा का त्यौहार शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण और हर्षोल्लास और भाईचारे के वातावरण में मनाने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा व्यापक व्यवस्था की गई है। जिला प्रशासन द्वारा विधि व्यवस्था के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था, साफ सफाई, लाइटिंग व दंडाधिकारियों, पुलिस अधिकारियों एवं पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। वहीं भीड़ वाले स्थलों पर ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है। सभी पंडालों में सीसीटीवी एवं वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी की गई है। पंडालों एवं भीड़ वाले स्थान पर सिविल ड्रेस में पुलिस अधिकारी एवं पुलिस बलों की प्रतिनियुक्ति की गई है। जिलाधिकारी व सारण अमन समीर और पुलिस अधीक्षक सारण डॉक्टर गौरव मंगला लगातार मेले की निगरानी कर रहे हैं एवं अधिकारियों को शांतिपूर्ण ढंग से पूजा संपन्न करने के लिए कई आवश्यक निर्देश भी दे रहे हैं। वो लगातार नियंत्रण कक्ष से संपर्क बनाए हुए हैं, पल पल की कार्य प्रणाली पर नजर रख रहे हैं। जिला नियंत्रण एवं लगातार 24 घंटे संचालित है। इसके अलावा कई स्थलों पर अस्थायी नियंत्रण कक्ष भी स्थापित किए गए हैं। मेले में घूमने वाले श्रद्धालुओं के लिए सभी प्रकार की आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जहां पर्याप्त संख्या में पुलिस वालों की प्रतिनियुक्ति, अग्निशमन दस्ता व स्वास्थ्य सुविधाएं और नियंत्रण कक्ष, महिला दर्शक के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे से निगरानी और ट्रैफिक।